हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की मोरी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सो इसे बनाने के लिए मैंने इस तरह से तीन पट्टियां कट की हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है, एक पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 17 इंच ली है। ये देखिए, यहाँ से 17.5 इंच ली है और तीनों पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई मैंने सेम ली है और तीनों पट्टियों के पीछे मैंने इस तरह से फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया हुआ है। अब मेरे पास लेस है, इस लेस को मैं यहाँ पे इस पट्टी के इस तरह से इतना गैप छोड़ते हुए किनारे पे रखूँगी और यहाँ पे इसके किनारे पे, लेस के किनारे पर सिलाई लगाऊँगी। अब हम इसे इस तरह पीछे की तरफ टर्न करेंगे, ये जो फैब्रिक है इसको पीछे की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से और यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पट्टी भी लेस लगा ली है, सेम इसी तरह हमने सेकंड पट्टी उसी पे भी, उस पर भी हमने सेम इसी तरह से लेस लगानी है। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों पट्टियों पे सेम लेस लगा ली है। अब हम इस पट्टी को यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस लेस को इतना गैप छोड़ते हुए किनारी की सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ इसे इस तरह से खोलेंगे और ये फैब्रिक पीछे की तरफ करते हुए यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हम लेस को एक बार फिर से यहाँ पे रखेंगे इस साइड और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे भी इस तरह से अंदर की साइड पलटते हुए यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब मेरे पास कुछ इस तरह से जिगजैग लेस है, वो मैं इसके ऊपर इसके सेंटर में बिल्कुल, ये जो हमारी ये बीच वाली पट्टी है जो मैंने 1.5 इंच की कट करी थी, इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। अब सेम इसी तरह हम इसकी इस पट्टी के बीचों बीच भी इस लेस को रखेंगे और यहाँ पे इसके बिल्कुल ऊपर सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने दो पट्टियाँ अपनी अटैच कर ली हैं। मैंने फर्स्ट शुरुआत में आपको तीन पट्टियाँ बताई थी कि मैंने तीन पट्टियाँ कट की है। अब जो तीसरी पट्टी है इसको इस तरह से लेंगे, जो तीसरी वाली पट्टी है इसको इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखते हुए यहाँ पे इतना गैप छोड़ते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद मैंने इस तरह से एक स्क्वायर शेप में अपना ट्राउज़र का फैब्रिक लिया, सेम फैब्रिक लिया, उसको इस तरह से मैंने उसके पीछे इस तरह से पेपर फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर लिया है और इस तरह से मैंने ओरेप में 1.25 इंच के गैप पे, ये देखिए 1.25 इंच के गैप पे इस तरह से लाइन्स ड्रॉ की है और ये देखिए मैंने इसको ओरेप में ही ड्रॉ किया है लाइन को इस तरह से, ओरेप में और 1.25 इंच के
गैप पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और इसको अब इस तरह से हम कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने और ये पट्टी कट की थी इसको हम पहले एक साइड से इस तरह से और फिर इस तरह से दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये मेरे पास कुछ इस तरह से बारीक किनारी वाली लेस है, आप कोई भी बारीक किनारी वाली लेस ले सकते हो। इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे इसके बीचों बीच और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से मैंने अपनी सभी और ये पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब इसको तीन तीन इंच की चौड़ाई में हम इस तरह से तीन तीन इंच की चौड़ाई में हम इसे कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सभी पट्टियों को कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से, ये मैंने और ये में कट करी थी तो इजीली इस तरह से थोड़ा इसको इस तरह से करेंगे तो आराम से इस तरह से घूम जाएगी। तो इस तरह से इसको आयरन कर, इसके ऊपर आयरन से इसको अच्छे से इसको इस तरह से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सभी स्ट्रिप्स को अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब हम इसके बाद ये हमने जो पैटर्न तैयार किया था इस स्ट्रिप को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से सभी लगाने के बाद हम इसे इस तरह से नीचे की तरफ टर्न करेंगे, इस तरह से सभी को नीचे की तरफ टर्न करेंगे। और यहाँ पे जो हमारी जिगजैग लेस थी इसे इस तरह से यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पीछे से हमारा फिनिशिंग से अभी नहीं आया तो इसके लिए हमने इस तरह से ढाई इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब हम इस पट्टी को इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे इस साइड सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पीछे वाली साइड जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम इस तरह से अपने फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने लगाई थी उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हैंड स्टिच भी दे सकते हो, मैं यहाँ से यहाँ पे सिलाई ही लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न पूरा बन के रेडी हो गया है तो अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तैयार होने के बाद ये कितना रह गया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा 5 इंच रेडी हुआ है तो इसका मतलब है कि जितनी हमारे पैंट ट्राउज़र की टोटल लेंथ होगी उसमें से हमने 4.5 इंच कम कट करना है क्योंकि ये जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ के लगेगा तो ये लेंथ को पूरा कर देगा। तो क्योंकि 0.5 इंच मार्जिन सिलाई में भी जाएगा इसीलिए मैंने 4.5 इंच कम कट किया अपनी पैंट को। अब हम इस तरह से अपने ट्राउज़र की मोरी लेंगे, ये हमने अपने ट्राउज़र की मोरी ली है और इसको इस तरह से रॉन्ग साइड से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।